और कचुपुरा पहली गेंद तोड़ने के लिए मिस इंडिया मुखरा जो गेंदबाज सामना कर रहे हैं मिस्टर विकी तोड़ने की शुरुआत और आज के दिन का ये पहला सेमीफाइनल अगली गेंद मिस्टरा जो और विकी खेल दिया उसे तोड़ने के लिए एक अच्छी गेंद मिस्टरा जी के द्वारा अगली गेंद मिस्टरा जो सामना करेंगे विकी और एक फुल टॉस नीचे नीचे अंपायर का निर्णय आना भी बाकी अंपायर का डिसीजन आना बाकी प्रारंभ जी हाँ गेंद को मैदान पर पहुंचा है अगली गेंद और अच्छी गेंद अच्छी आपकी नीचे रखे की अगली गेंद और एक अच्छा शॉट मिस्टर विक्की का हालांकि थोड़े से गलती खेल गए उस गेंद को और अंपायर का निर्णय आना बाकी चार रनों के लिए जी हाँ अगली गेंद मिस्टर अजय सामना करेंगे विक्की और एक बहुत बड़ा शॉट छह रनों के लिए और एक अच्छी शुरुआत जयंत सिंह की तरफ से एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 18 रन इस मरतबा सामना करेंगे मिस्टर विक्की और एक फुल टॉस की गेंद लेकिन बीत हुए यार हम पिछले तीन देखने का भी नहीं लेकिन नकारा अंपायर ने अगली गेंद मिस्टर शाह और एक अच्छी गेंद और दो रनों के लिए गेंद मिस्टर साहुल सामना करेंगे विक्की काफी छोटा है गेंद लेकिन इसे दिशा नहीं प्रदान कर पाए मिस्टर विक्की थोड़ा सा जल्दी फूल गए और मात्र दो रन फिर भी ये गेंद अगली गेंद मिस्टर साहुल और ये बहुत बड़ा शॉट है छह रन के लिए निश्चित तौर पर मिस्टर विक्की के बल्ले से इसी तरह के बड़े बड़े छक्के लगाने होंगे मिस्टर विक्की को राहुल अगली गेंद हल्के करने से बाहर को पार किया और काफी ऊंचाई भी उन्हें देखना होगा पार जी हाँ नो बॉल लक्ष्य तीन रन काउंट होंगे जी हाँ और एक प्रेस भी मिलेगी मिस्टर विक्की को मिस्टर राहुल सामना करेंगे विक्की और एक अच्छा शॉट और फील्डर ने उनका साथ नहीं दिया और मात्र दो रन ये खिलाड़ी में नजर आ रहे हैं सामना करेंगे और फुल टॉस गेंद बीट निराश होंगे जी हाँ फुल टॉस गेंद तो एक गिफ्ट होता है तीन ओवर की स्मोक 39 रन शादी का प्रथा अपने कोटे का पहला ओवर लेकर और वो छोटा सा गेंद हल्का सा नीचे रहा और एक कैच का मौका हो सकता था लेकिन गवाया राशि अगले कदम से अंपायर को पार किया और एक बहुत बड़ा प्रहार चार रनों के लिए गोली की तरह गई गेंद और अगली गेंद और बल्ले के बीचों बीच कनेक्ट नहीं कर पाए मिस्टर निखिल मात्र दो रन तो एक अच्छा ओवर है मिस्टर राशि का अगली गेंद मिस्टर राशि सामना करेंगे निखिल और एक बहुत बड़ा प्रहार मात्र दो रनों के लिए सामना करेंगे निखिल हल्के कदम से बाहर को पार किया और एक अच्छा यार पर कहीं एक गेंद है जिस मैदान में गेंदबाजों को सुरक्षित रख सकती है अगली गेंद राशि और एक बार फिर से अच्छा ब्लॉक होल रन में हो सकता था लेकिन हाँ ना में थोड़े से इसी के साथ ओवर की समाप्ति स्कोर जा पहुंचा 57 तो मात्र 11 रन आए इस ओवर में त्रिवेदी अगली गेंद हल्के कदम से बाहर को पार किया और डॉट गेंद दूसरा ओवर पारी का पांचवा ओवर अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर अगली गेंद फुल टॉस गेंद हवा में गेंद अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाए मिस्टर विक्की देखना होगा कहाँ जा रही है गेंद मात्र दो रन सामना करेंगे विक्की फुल टॉस गेंद और खेल दिया उसे छह रनों के लिए और बहुत अच्छे ढंग से मिस्टर विक्की काफी अच्छी लय में नजर आ रहे हैं अगली गेंद मिस्टर साहिल सामना करेंगे विक्की एक फिर से फुल टॉस की गेंद देखना होगा अंपायर का डिसीजन यहाँ सही करार किया गया इस गेंद को और दो रन प्राप्त होंगे इवन टू है अगली गेंद मिस्टर साहिल और विक्की अच्छी गेंद बिल्कुल जड़ पे करने का उनका प्रयास और इसी वजह से मात्र दो रन प्राप्त कर पा रहे हैं मिस्टर विक्की
एक अच्छी गेंदबाजी मिस्टर साहिल की तरफ से अगली गेंद और एक मरतबा फिर लॉक हो रही गेंद। काफी अच्छा ओवर है मिस्टर साहिल का और ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा 69, मात्र 12 रन खर्च किए अपने इस ओवर से। राशु अगली गेंद सामना करेंगे निकल और एक बहुत बड़ा छक्का और राशि का अच्छे से स्वागत किया मिस्टर निखिल ने। विशाल लक्ष्य बना पाएंगे YMC की गाड़ी। अगली गेंद मिस्टर राशु और एक अच्छा खेल ओवर, इतने अच्छे ढंग से खेल दिया मिस्टर निखिल ने, लगातार दो छक्के को पार किया और एक और बहुत शानदार प्रहार, लगातार तीन बड़े छक्के मिस्टर निखिल के बल्ले से निकल चुके हैं। तो एक तेज रफ्तार पकड़ ली है मिस्टर निखिल ने गेंद। मिस्टर राशु सामना करेंगे निखिल और हल्का सा क्योंकि मिस्टर निखिल बीट हुए, थोड़ा जल्दी खेल गए। एक अच्छा फ्लोर ऑन मिस्टर राशु का, तीन बड़े छक्के लगा चुके हैं मिस्टर निखिल। अगली गेंद और एक बहुत बड़ा प्रहार, एक बंतवा फिर गेंद हवा में, निश्चित तौर पर 6 रन होंगे। गेंद बाउंड्री लाइन से काफी बाहर और 4 बड़े छक्के इस ओवर में देखने को मिले। अंतिम गेंद अपने ओवर की, उल्टा गेंद और 4 रन, यहाँ काफी महंगा ये ओवर है। 28 रन जुड़े हैं इस ओवर में, स्कोर जा पहुंचा 97 रन, 12 गेंद से अधिक इस इनिंग की, इनिंग का अपना दूसरा ओवर लेकर। अगली गेंद अच्छा गेंद डॉट गेंद। अगली गेंद सामना करेंगे मिस्टर विकी, हल्के कदम से पार को पार किया, काफी नीचे रहा ये गेंद, हल्के कदम से पार को पार किया और सिंगल होने की कोशिश, रन आउट का एक मौका, लेकिन क्योंकि 3 डॉट गेंदे मिस्टर विकी से प्रेशर में जरा रहे हैं, सामना करेंगे मिस्टर विकी और अच्छी गेंद, एक और बिंदी गेंद, जी हाँ 4 बिंदी गेंदे, 4 बिंदी गेंदे। अगली गेंद हल्के कदम से अंपायर को पार किया और क्लीन बोल्ड कर दिया है। मिस्टर अजय सामना करेंगे प्रशांत और बहुत अच्छा ये गेंद, मैडन ओवर है, जी हाँ 1 विकेट प्लस मैडन, बहुत शानदार ये ओवर मिस्टर अजय का। निखिल के 50 रन पूरे हो चुके हैं, एक गेंद से स्कोर अभी भी 98 पर रुका हुआ। अगली गेंद और एक बड़ा प्रहार, मात्र 2 रन, अंपायर का निर्णय, क्या योगदान दे पाएंगे अपनी टीम को। अगली गेंद और एक बहुत बड़ा प्रहार, लेकिन क्योंकि और एक और बिंदी गेंद, हल्के कदमों से अंपायर को पार किया मिस्टर निखिल और एक बहुत बड़ा प्रहार या फ्लैट किक, काफी अच्छा ये प्रहार मिस्टर निखिल के बल्ले से। तो गेंद से बहुत अच्छा शॉट, एक मरतबा फिर मात्र 4 रन, एक गेंद से इनिंग की 62 रन उनका निजी स्कोर। अगली गेंद हल्के कदमों से अंपायर को पार किया और एक और बिंदी गेंद और इसी दौरान एक इनिंग की समाप्ति पर 110 रन बना सकी YMC की टीम, 111 रन का विशाल लक्ष्य है। 3 इक्के माचड़ू को जीत के लिए चाहिए। अगली गेंद अपनी पारी की और फुल टॉस गेंद और 4 रनों के लिए, 4 रनों के साथ शुरुआत की है मिस्टर सचिन ने। मिस्टर विजय गाड़ी इस मैदान से, अगली गेंद और बहुत अच्छी गेंद, एक अच्छा निर्णय दोनों अंपायरों ने आपसी मतभेद के द्वारा तय किया कि यह नॉट आउट होगा और एक अच्छी अच्छा डिसीजन दोनों अंपायरों की तरफ से और शानदार गेंदबाजी विकेट के
ये नहीं पाए गए। एक जोरदार अपील सचिन, क्योंकि काफी बली भांति परिचित है उस मैदान को, काफी शानदार गेंदबाजी मिस्टर विजय की और 100 रन। हल्के कदमों को अंपायर को पार किया मिस्टर विजय ने और एक अच्छी गेंद मिस्टर सचिन, एक अच्छी स्लोर वन लेकिन पढ़ लिया उसे मिस्टर सचिन ने और 4 रन के लिए। एक और कुछ समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 10 रन। अपना खाता खोला, सामना करेंगे साहिल प्रशांत का, बहुत तेज करारी गेंदबाज और मिडफील्ड देखने को मिली, सामना करेंगे साहिल गेंदबाजी और एक और शानदार विकेट, पहला विकेट एक बड़ा झटका मसरू को देख लिया मिस्टर प्रशांत ने। आप लोगों को समझते हैं आज के दिन का पहला सेमीफाइनल और मिस्टर प्रशांत और एक अच्छी गेंद और इतने अच्छे ढंग से खेल दिया मिस्टर राठी ने मात्र 100 रन के लिए। अगली गेंद हल्के कदमों से अंपायर को पार किया, काफी छोटा ही गेंद खेल दिया उसे मात्र 2 रन के लिए। फिर भी अगली गेंद और एक मरतबा फिर ये बिल्कुल गुप्तों के सामने पाए गए और लग भी फोर करार दिए गए और एक अच्छा निर्णय अंपायर का, क्योंकि यहाँ से भी लगभग यही प्रतीत हो रहा था क्योंकि पिछले पांव में जाकर लगी उनकी गेंद और लग भी फोर करार दिए गए। स्कोर जा पहुंचा 19 रन 2 ओवरों की समाप्ति पर। राशू का स्टैंडिंग है मिस्टर अजय, मिस्टर सचिन और एक अच्छा शॉट और अच्छी गेंद मिस्टर हनी का, ये एक अच्छी शुरुआत मिस्टर हनी के द्वारा। दो बड़े झटके पवेलियन में बैठ चुके हैं मिस्टर साहिल और मिस्टर राशू। अगली गेंद और अच्छे ढंग से सम्मान दिया उसे मिस्टर सचिन ने, सामना करेंगे मिस्टर सचिन और बहुत शानदार गेंद, काफी तेज गेंद था। अगली गेंद हल्के कदमों से पार को पार किया और एक लंबा गेंद उठा दिया उसे हवा में, फिल्टर उसके नीचे जाने का प्रयास 4 रनों के लिए। मिस्टर हनी सामना करेंगे सचिन। अगली गेंद हल्के कदमों से अंपायर को पार किया और एक बार फिर एक अच्छी गेंद बिंदी गेंद, काफी शानदार ओवर मिस्टर हनी का। मिस्टर हनी सामना करेंगे सचिन, काफी सूझबूझ भरा क्रिकेट खेल रहे हैं मिस्टर सचिन और ये उनके पाले में गेंद लेकिन अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाए मात्र 2 रनों के लिए। तो एक शानदार ओवर अब तक मिस्टर हनी की तरफ से और ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा 27 रन। बली भांति परिचित है मिस्टर सौरभ इस मैदान से। अगली गेंद और एक अच्छी गेंद और थोड़ा सा छोटा ही गेंद खेल दिया उसे 2 रनों के लिए। इस मैच में रोमांच रहेगा। अगली गेंद और बहुत शानदार ढंग से खेल दिया उसे मिस्टर अजय ने। अगली गेंद हल्के कदमों से बाहर को पार किया, शानदार ये गेंद और अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाए मिस्टर अजय। 2 रन एक बार फिर टीम खेल रही है। अगली गेंद शानदार गेंदबाजी, फिर से एक बिंदी गेंद और ये बिंदी गेंद जितनी होती रहेगी सचिन के कंधे पर उतना ही प्रेशर बढ़ता रहेगा। काफी अच्छा डिसीजन अब तक उन्होंने दिए हैं। अगली गेंद मिस्टर सौरभ और शानदार एक बार फिर मिस्टर निखिल कलेक्ट नहीं कर पाए उस गेंद को, लगातार 4 गेंदे आ चुकी है उनके हाथों में लेकिन कलेक्ट नहीं कर पा रहे उस गेंद को। अगली गेंद सामना करेंगे मिस्टर निखिल और एक अच्छे ढंग से खेल दिया उसे मिस्टर अजय ने। हाँ गेंद और 4 रनों के लिए, जी हाँ मिस्टर सौरभ के द्वारा स्कोर जा पहुंचा 39 रन 4 ओवर की समाप्ति पर। बहुत जरूरी अन्यथा मात्र इस मैच को आज से गवा भी सकता है। अगली गेंद मिस्टर सचिन, शानदार गेंद और उतने से ढंग से खेल गया मिस्टर सचिन ने मात्र 2 रनों के लिए। रहनी अच्छी गेंद, एक मतलब फिर थोड़ी सी हाइट नहीं दे पाए मिस्टर सचिन इस गेंद में और उसके 2 रन। अगली गेंद मिस्टर हनी, सामना करेंगे सचिन और शानदार ढंग से खेल दिया इस गेंद को
काफी दूरी के लिए और सीमा रेखा से बाहर तैरने के लिए। धोनी अगली गेंद लेकर सचिन के सामने एक बार फिर दिशा से भटक चुके हैं मिस्टर हनी पूरी तरह से। सचिन ने काफी बड़े बड़े प्रहार इस ओवर में लगा दिए हैं और प्रेशर दोबारा हुआ एमसी के कप्तान के ऊपर। अगली गेंद मिस्टर हनी सामना करेंगे सचिन। फुल टॉस गेंद अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाए उसे हवा में गेंद चार रनों के लिए। गेंद जो है बाउंड्री लाइन से बाहर जा चुकी है। अगली गेंद मिस्टर हनी सामना करेंगे मिस्टर सचिन। बहुत शानदार गेंद इस ओवर का पहला एक अच्छा गेंद जो कि बीट हुआ और स्कोर जा पहुंचा 59 पांच ओवर की समाप्ति पर। के लिए मिस्टर सौरव सामना करेंगे जो अच्छी गेंद बहुत अच्छी गेंद एक बिंदी गेंद। अगली गेंद बार को पार किया और एक बार फिर बहुत अच्छा उस मरतबा कलेक्ट किया मिस्टर निखिल ने और स्टंप आउट किया हिमाचल के लिए। मिस्टर सौरव अपने ओवर में तीसरी बार सामना करेंगे मिस्टर साहुल। बहुत अच्छी गेंद और उसी बीच एक रन चुरा लिया मिस्टर सौरव। सामना करेंगे सचिन और उतना ही बड़ा प्रहार काफी लंबा ये शॉट रनों के लिए। अगली गेंद मिस्टर सचिन सामना करेंगे सौरव और एक फिर से अच्छी गेंद उसी बीच रन चुरा लिया। अगली गेंद सामना करेंगे साहुल अच्छी गेंद और खेल दिया उसे दो रनों के लिए। अच्छा ओवर अब तक शानदार ओवर ये मिस्टर सौरव के द्वारा स्कोर जा पहुंचा 69। अगली गेंद मिस्टर प्रशांत और एक आसान सा कैच प्यारी चीज के साथ एक बहुत बड़ा झटका वाईएमसी ने दे दिया है माथुरू की टीम को। अगली गेंद हल्के कदम से बार पार किया एक मिसफील्ड देखने को मिली मिस्टर हनी की तरफ से। अगली गेंद मिस्टर प्रशांत सामना करेंगे अच्छे काफी अच्छी गेंद हवा में गेंद और करीबी मामला हो सकता था लेकिन दो रन सामना करेंगे अच्छे और एक स्थान तक ड्रॉप कर दिया है मिस्टर अक्षय ने दो रन फिर से जुड़ेंगे माथुरू की टीम में। अगली गेंद सामना करेंगे अच्छे मिस्टर प्रशांत काफी अच्छी गेंद बहुत तेज गेंद और इस बार अच्छी फील्डिंग मिस्टर अक्षय के द्वारा दो रन बचाए अपनी टीम के लिए। बहुत ही शानदार गेंद और दो रन यहाँ शानदार ओवर मिस्टर प्रशांत के द्वारा 77 मात्र 8 रन 4 दुक्के दिए उन्होंने अपने इस ओवर में लेकिन नामुमकिन नहीं। अगली गेंद और पहला बड़ा छक्का फुल टॉस गेंद जो कि उनकी सुनने में मिला है। अगली गेंद दूसरा बड़ा छक्का काफी बड़ा छक्का बहुत ही लंबा ये छक्का 4 गेंदों 22 रन निकलने की लगनी गेंद और एक अच्छी गेंद और दो रन के लिए और इसी तरह ये गेंद काफी क्रूशियल गेंद थी और लगभग वाईएमसी का फाइनल में जाना तय। क्लीन बोल्ड कर दिया है मिस्टर निखिल ने काफी बड़े बड़े नाम चार रनों के लिए ये गेंद। अगला जो मैच होगा उसकी कप्तानों से मेरा अनुरोध होगा जल्द से जल्द मंच पर आए टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान और इसी तरह 99 रन पर माथुरू की टीम सिमट चुकी है मात्र 15 रन दूर है अपने लक्ष्य से 15 रनों की यह वाईएमसी ने जीत प्राप्त कर ली है और फाइनल में प्रवेश कर दिया है।